गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज अवर टॉपिक नाउन्स। फर्स्ट जैसे कि व्हाट इज नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मीन्स नेमिंग वर्ड्स, जिस भी पर्सन, प्लेस, थिंग को जो भी नेम दिया जाता है, मीन्स नेमिंग वर्ड्स होते हैं, उनको हम नाउन्स बोलते हैं। देर आर फोर काइंड्स ऑफ नाउन्स। फर्स्ट कॉमन नाउन, सेकेंड प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्स्ट कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंडपा नीड्स टू विजिट अ डॉक्टर। डॉक्टर, जैसे कि डॉक्टर पूरी क्लास को जो है जो क्योर रेमेडी करते हैं, किसी भी जैसे डिजीज की रेमेडीज या फिर हमें कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं, उनको डॉक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे डॉक्टर, किसी पार्टिकुलर डॉक्टर का नेम नहीं लिया गया या किस टाइप का डॉक्टर, जैसे कि अलग अलग कैटेगरीज हैं, स्किन के अलग होते हैं, जैसे हार्ट के अलग होते हैं, तो यहाँ किसी भी मतलब की पर्टिकुलर उसका नेम नहीं दिया है, तो यहाँ डॉक्टर, डॉक्टर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई विल टेक हिम टू द हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल में, यहाँ हॉस्पिटल जितने जहां भी हम अपना जो है इलाज करवाते हैं या दवाई लेने जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल। तो ये पार्टिकुलर एक प्लेस का नेम है जिसको हम हॉस्पिटल बोलते हैं। आई हैव अ पेट डॉग। डॉग जो है पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस टाइप का डॉग है, कौन से जो है उसका स्पीसीज का है, उसका क्या नेम है, जैसे कि उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ डॉग जो है पूरी कैटेगरी को, उसकी कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही प्लेज विद माई टॉयज। टॉयज जितने भी खेलने की चीजें हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टॉयज। तो यहाँ ये सब जो है कॉमन नाउन्स हैं, डॉक्टर, हॉस्पिटल, डॉग, टॉयज। अब कॉमन नाउन में जैसे कि फर्स्ट आपकी बुक एक्सरसाइज है, आप मेरे साथ मैच भी करोगे, जैसे फाइंड 10 कॉमन नाउन्स इन द वर्ड सर्च, राइट देम अगेंस्ट देयर क्लूज। फिश, फिश का इसमें कोई भी नेम जैसे कि कॉमन नाउन दिया हुआ है और कॉमन नाउन से रिलेटेड यहाँ पर्टिकुलर इसका जो है प्रॉपर में इसका नेम्स आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो इसमें ऑलरेडी गिवन है ये, तो ट्यूना। इंसेक्ट, इंसेक्ट में बैटल, बैटल बीटल जो है इसमें आपको वर्ड सर्च में इसका नेम मिलेगा, बीटल। फ्रूट, एप्पल। बॉडी पार्ट, स्टमक। बर्ड, ईगल। अलॉय, ब्रोंजे। फ्लावर, डेलिया। वेजिटेबल, स्पिंच। बिग कैट, लेपर्ड। तो यहाँ पे ये जो है इसमें आपको वर्ड सर्च में ये वर्ड्स मिलेंगे, इनको सर्कल करना है। नेक्स्ट है बी एक्सरसाइज, कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द कॉमन नाउन फ्रॉम द बॉक्स। देयर आर मोर वर्ड देन वर्ड्स देन यू विल नीड। यहाँ जो है काफी सारे वर्ड्स दिए हुए हैं बॉक्स में, हमें जितनी नीड है, जहां जहां जो भी प्रॉपर हमारे लिए सूटेबल वर्ड है वो हमें चूज करना है। फर्स्ट है वन डे आई वुड लाइक टू क्लाइंब अ माउंटेन लाइक द एवरेस्ट, एवरेस्ट। सेकेंड, द नील इज अ वेल नोन रिवर इन इजिप्ट। सुनील गावस्कर द फेमस क्रिकेटर हैज स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स इन द टेस्ट क्रिकेट। क्रिस्टोफर कोलंबस द एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड अमेरिका। फ्राइडे द थर्ड ऑफ दिस मंथ इज द डे On which I have an appointment with the dentist. I was born in the month of August. Chhattisgarh is a state in India. Raipur is the capital of Chhattisgarh. Australia is both a country and a continent. Jew Milkha Singh is a world class गोल्फर। फतेहपुर सिकरी इज द नेम ऑफ अ टाउन बिल्ट बाय ग्रेट एम्परर अकबर। आई कैन स्पीक जैपनीज, इट इज एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। द बुक डेविड कॉपरफील्ड वॉज रिटन बाय एन ऑथर नेम्ड चार्ली डिकन्स।
सेंट पॉल कैथेड्रल इज अ ब्यूटीफुल चर्च. माई ब्रदर अली रीड्स द कुरान एवरी डे. नेक्स्ट आपकी बुक एक्सरसाइज इसमें प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन में जैसे प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेशल नेम ऑफ पर्टिकुलर पीपल प्लेस और थिंग्स. ऑल प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद कैपिटल लेटर्स. यहाँ पे जो भी आपको पर्टिकुलर पर्सन नेम प्लेस नेम और थिंग्स के जो नेम्स पर्टिकुलर यानी प्रॉपर थिंग्स प्रॉपर नाउन्स जो भी दिखे उनका जो है कैपिटल लेटर्स में आपको राइट करना है. जैसे फर्स्ट है चेंज स्मॉल लेटर टू कैपिटल लेटर व्हेनेवर नीडेड वेयर एवर नीडेड. हैरी एच कैपिटल हो जाएगा. एफ इसमें कैपिटल हो जाएगा. फर्जेंस नोन फॉर बिल्डिंग वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रैक्टर्स वॉज बोर्न ऑन ए फार्म इन नॉर्थन. एन कैपिटल आयरलैंड में आई कैपिटल. और फिर उसके बाद है इन 1884 ही एच कैपिटल. ही वुड हैव प्रोबेबली स्पेंट हिज लाइफ एट द फार्म हैड इट नॉट बीन फॉर हिज एल्डर ब्रदर जोय. जे कैपिटल हु सेट अप एन इंजीनियर शॉप इन बेलफास्ट. बेलफास्ट में बी जो है कैपिटल हो जाएगा. नेक्स्ट है आस्क्ड हैरी. हैरी में एच कैपिटल पर्सन नेम है. टू ज्वाइन हिम इन 19,000 दैट में टी कैपिटल हो जाएगा. वेहर हैरी में एच कैपिटल हो जाएगा. यहाँ पे गॉट डीपली इन्वॉल्व इन द सर्विसिंग एंड सेल ऑफ मोटर कार्स एंड मोटरसाइकिल्स. देयर में टी कैपिटल हो जाएगा. वॉज नो वन टू टीच हिम. ही एच कैपिटल लर्न द हार्ड वे बाय ट्रायल एंड एरर. थ्री में टी एच कैपिटल हो जाएगा क्योंकि फुल स्टॉप के बाद आफ्टर फुल स्टॉप जब भी हम नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो ऑलवेज विल कम इन कैपिटल लेटर. थ्री इयर्स लेटर ही बिल्ट हिज फर्स्ट मोटरसाइकिल एंटर्ड मैनी रेसिस एंड वॉन नंबर्स ट्रॉफीज. नेक्स्ट आपका मैच द कॉमन नाउन्स विद द प्रॉपर नाउन्स. देयर आर मोर प्रॉपर नाउन्स देन यू विल नीड. फर्स्ट जैसे बिल्डिंग आपका जो है इसमें ऑलरेडी गिवन बुर्ज खलीफा. पोइट पोइट में सेकेंड आ जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ. कंटिनेंट कंटिनेंट में जो है एच इसमें थर्ड आएगा एंटार्क्टिका. प्ले राइट में फोर्थ में हो जाएगा विलियम शेक्सपियर. प्ले राइट जो कि प्ले राइट करते हैं जो राइटर हैं. इन्वेंटर इन्वेंटर फिफ्थ में आ जाएगा आपका थॉमस अलवा एडिशन जो इन्होंने काफी कुछ इन्वेंट किया है. लैंग्वेज लैंग्वेज इसमें कौन सी है सिक्स्थ का असमीज जो असम की लैंग्वेज है. और नेक्स्ट है मोन्यूमेंट. मोन्यूमेंट में आपका है चार मीनार. और डिटेक्टिव डिटेक्टिव में एट्थ में आपका है शेरलॉक होल्म्स. और नेक्स्ट है रोड. रोड में इसमें नाइन्थ का जो है जैसे कि डोविंग स्ट्रीट. और एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट कौन थी अपने यहाँ इंडिया से कल्पना चावला. नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन. ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन एनिमल थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल. कलेक्टिव नाउन में जैसे कि हम जो है काफी सारी थिंग्स हैं या पर्सन है या प्लेस है एनिमल्स हैं उनको हम एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं और उस नेम को हम जो है पूरा उसका जो है मतलब कंप्लीट फ्रेज यूज ना करते हुए हम एक ही वर्ड से उसको जो है जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं आपके उसी तरह से इनको यूज करते हैं. जैसे अक्वायर ऑफ सिंगर्स. अक्वायर ऑफ सिंगर्स सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उनको हम क्वायर बोलते हैं. जिसको मीनिंग पता होता है वो इसको इजीली यूज कर सकता है. क्वायर क्वायर मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स. मर्डर ऑफ क्रोज. मर्डर ऑफ क्रोज क्रोज जो पूरा झुंड होता है क्रो का ग्रुप जो होता है उसको मर्डर बोलते हैं.
बंच ऑफ कीज, जैसे कीज काफी सारी कीज हैं तो उनको क्या बोलेंगे, बंच ऑफ कीज। यहाँ आपकी बुक एक्सरसाइज दी हुई है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स विद कलेक्टिव नाउन चूज फ्रॉम द बॉक्स। फर्स्ट है ऑल द गेस्ट वर वेलकम्ड विद, वेलकम्ड विद बुके ऑफ फ्लावर, ना कि जैसे कि बहुत सारे फ्लावर्स को हमने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके जो एक बंडल बना उसको हमने क्या नेम दे दिया, बुके। ऑल द गेस्ट वर वेलकम्ड विद बुके ऑफ फ्लावर्स, बुकेट्स ऑफ फ्लावर्स। अनिशा वॉज फैसिनेटेड बाय द कलरफुल स्कूल ऑफ फिश स्विमिंग अराउंड द शिप, जैसे कि फिश होती है और अलग अलग टाइप्स की जो फिश होती है उनको उसका जो उसमें हम एक्वेरियम होता है जिसमें हम रखते हैं उनको, तो उसको बोलते हैं स्कूल। अ ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड अराउंड द क्लोन, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्राउड। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन प्लेड वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्यून्स द चिल्ड्रन हैड एवर हर्ड, जो म्यूजिशियन है डिफरेंट डिफरेंट जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। अ कंपनी ऑफ एक्टर्स फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट थिएटर ग्रुप विल एक्ट इन द प्ले, एक्टर्स का जो ग्रुप उसको बोलते हैं अ कंपनी ऑफ एक्टर्स। आई सॉ अ हर्ड ऑफ बफलोज इन द विलेज पॉन्ड, बफलोज का जो झुंड है उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ड। नीलम बॉट अ बंच ऑफ बनानास फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप, तो बनानास जो पूरा जैसे कि हम एक एक बनानास नहीं, जहां जिस भी शॉप पे जाते हैं तो उसका एक बंच होता है और उसमें से जैसे हमें वन डजन के अकॉर्डिंग वो काउंट करके देता है तो उसको हम बोलते हैं बंच। आई सा अ ट्रुप ऑफ मंकीज प्लेइंग इन द जू, मंकीज जो काफी सारे जहां मंकीज इकट्ठे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रुप। द मूवी जुनून वॉज बेस्ड ऑन रुस्किन बॉन्ड्स बुक अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, फ्लाइट ऑफ पिजन्स मीन्स जो पिजन्स हैं उनको हम जो है पूरा ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे, फ्लाइट। द प्रिस्ट ऑफ द नेबरहुड चर्च वॉज वेरी हैप्पी टू सी अ बिग कॉन्ग्रीगेशंस जो रिलीजियस पीपल हैं और उन जो काफी सारे रिलीजियस पीपल जहाँ इकट्ठे होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन पीपल इन हिज चर्च एवरी संडे, यानी काफी सारे जो उनके भक्त हैं उनके फॉलोवर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन। एलाइस वॉज अटैक्ड बाय अ स्वार्म ऑफ लोकटस, द कैप्सेलर सेट डाउन ऑन सॉरी द कैप्सेलर सेट डाउन टू रेस्ट अवाइल अंडर अ क्लैम्प ऑफ ट्री, यानी कि गहरी जो छाया है ट्री की उसके नीचे जो है कैप्सेलर बैठ जाता है, तो गहरी या घनी छाया उसको क्या बोलते हैं, क्लैम्प ऑफ ट्रीज। टेक द कलेक्टिव नाउन्स, जैसे इसमें है फर्स्ट स्कूबा ड्राइवर स्वैम विद अ शूट स्कूल या फ्लोक ऑफ फिश टुवर्ड द रिमेन ऑफ सैंक टाइटेनिक, जो इसमें है फिश का वही जो बात आती है कि पूरा जो ग्रुप है डिफरेंट डिफरेंट जो उसमें स्पीसीज होती हैं टाइप्स की जो फिश होती हैं उनको क्या बोलते हैं, स्कूल। एडेस ऑफ फाइल इज कलेक्टिंग डस्ट ऑन द मैनेजर टेबल, तो जो फाइल्स का बहुत बड़ा ढेर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑफ फाइल्स इज कलेक्टिंग डस्ट ऑन द मैनेजर्स टेबल, यानी थर्ड। द बियर वॉज अटैक्ड बाय अ स्वार्म ऑफ बीज व्हेन इट वेंट नियर द बीहीव, यानी जब ये बीहीव मीन्स मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीहीव, और बीज के जब उसके पास गया तो स्वार्म, जो बीज का जो पूरा झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं, स्वार्म। मैंग गेज्ड एट अ नेस्ट स्कूल कॉन्स्टोलेशन ऑफ स्टार थ्रू द टेलीस्कोप हिज मदर बोट हिम ऑन हिज 10th birthday, तो जो स्टार्स होते हैं काफी सारे उनको हम को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन, यानी हिंदी में बोलते हैं जैसे
आकाश गंगा या जैसे कि काफी सारे स्टार्स हैं उनको। इन द गिर फॉरेस्ट वी वर थ्रिल्ड टू सी अ प्राइड गैगल ट्रूप ऑफ लॉयन क्यूब्स फोर क्लिक अबाउट। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे कि लॉयंस का जो है, थ्रिल्ड टू सी अ प्राइड ऑफ लॉयन, द क्लच पिरल या ब्रूड ऑफ चिकन्स फॉलोड देयर मदर ऑन द टू द कोप। चिकन्स जैसे कि हैन के जो बेबीज होते हैं उनको चिकन्स बोलते हैं, और उनका जो ग्रुप होता है चिकन्स का उनको क्या बोलते हैं, ब्रूड, ब्रूड ऑफ चिकन्स। क्वायर ट्रूप क्राउड ऑफ इंडियन सिंगर, सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रूप। द क्लच क्लम्प या बुके ऑफ जैकार्डा ट्रीज ऑन शांति पाथ आर लेडन विद फ्लावर्स। तो जो ट्रीज का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लम्प। मिसिज स्वामीनाथन हैज अ वंडरफुल बंच कलेक्शन या गैगल ऑफ मिनिएचर राजस्थानी पेंटिंग्स। तो जो काफी सारे हम कुछ भी डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कि मेरे पास जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट डॉलर जैसे करेंसी है उनको भी हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन। जैसे डिफरेंट टाइप्स के हम टिकट कुछ बच्चे इकट्ठी करते हैं तो उनको बोलते हैं कलेक्शन। द हर्ड रेजिमेंट कांग्रेशन कांग्रीगेशन इन चर्च लिसेंड अटेंटिवली टू द प्रीस्ट सरमन। तो यहाँ पे जैसे कि जो फॉलोवर्स होते हैं किसी भी रिलीजियंस के उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन इन द चर्च। टॉम एल्टर स्टेज अ प्ले फॉर द रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स स्टेशन्ड एट कारगिल। तो यहाँ पे जैसे कि सोल्जर्स की जो पूरी टीम होती है उसको क्या बोलते हैं हम, रेजिमेंट। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट यू कांट टच टेस्ट हियर स्मेल और सी। इट रेफर्स टू अ थिंग विच डजंट हैव अ मटेरियल फॉर्म। यहाँ जैसे कि यू कांट टच, इनमें से जो भी मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हम उसको फील कर सकते हैं, न कि हम उसको टच कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जैसे बुक एक्सरसाइज है, कंप्लीट द फ्लोइंग डायलॉग विद सूटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ इसमें आप यहाँ तक एक्सरसाइज कर लेना, ये है आपकी एफ एक्सरसाइज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले तक इसी में से आपको जो है तैयारी करनी है पीटी वन के एग्जाम के लिए। ओके बेटा, थैंक यू, रिवाइज योर बुक एक्सरसाइज।